हमारी रणनीति सिर्फ यही है कि हम बुजुर्गों का आशीर्वाद, साथियों का साथ, बड़ों का आशीर्वाद लेकर सिर्फ और सिर्फ जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ेंगे। हमें सिर्फ अपने वार्ड में सेवा करनी है और अपने वार्ड की समस्या हमें जड़ से हटानी है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों के आशीर्वाद के बाद जब मैं जीत के निगम में जाऊंगा तो मेरा सबसे पहले कार्य ये होगा कि मैं अपने ऑफिस के बाहर, मैं अपने घर के बाहर एक सुझाव पेटिका लगाऊंगा जिसके अंदर मुझे मेरे साथी, जिन भी लोगों को कोई भी समस्या होगी, वो अपना सुझाव, अगर बाई चांस, पहली बात तो मैं 24 घंटे तत्पर रहूंगा, लेकिन कोई ऐसी बात है कि कोई ऐसा सुझाव देना चाहता है तो उस सुझाव पेटिका में डाले। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। जो इंसान चेयरमैन होने के बावजूद एक पार्षद का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका बच्चा, आपका भाई पार्षद बनके वो सेवा करेगा जो उसने चेयरमैन बनने के बाद भी नहीं की। किसी भी गली में चले जाओ, किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, एक भी लाइट नहीं है, सारी जगह लाइटों की प्रॉब्लम हो रखी है, पानी नहीं आता, पानी की गंदगी, बारिश आए तो सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, सड़कें नहीं बनी हुई, आप कहीं भी देख लो पूरे। मैं इसके बारे में ये कहूँगा, मैं भी उस 18 था अपना, मार जाके गली देख लो, आज तक उस गली में कभी विकास नहीं हुआ। जो मेन एंट्री है तारानगर की, हमने क्या क्या धक्के ये कर दो उन्हें आज तक कोई स्टैंड नहीं करे। एक खड्डा खोदा गली के अंदर, क्या पानी इकट्ठा हो, वो आज खड्डे हालात देखो।